यह आपराधिक कृत्य है, आज भी नकल नहीं रुका है, बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं, दो नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं, एक नंबर की नहीं दो नंबर की, खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को। नमस्कार, जय भीम, जय जोहार। मेरा नाम है पूजा अंबेडकर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज मैं वही सब बड़ी खबरें लेकर आई हूँ जो अभी अभी तुरंत ही हाल ही में जो अभी वाक्य हुए हैं, उसी की खबरें मैं लेकर आई हूँ, वही दिखा रही हूँ आपको। बहुजन समाज से जुड़ी हुई, आदिवासियों से जुड़ी हुई खबर, और आप पार्टी के वहाँ कार्यकर्ताओं नेता लोगों ने क्या किया, वही जुड़ी हुई खबरें मैं आज आपको दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी खबर जो है बलिया की, जो पेपर लीक, 12वीं के बोर्ड एग्जाम का जो पेपर लीक करने का मामला जो सामने आया है, वो भी खबर है। सारी खबरें जो है विस्तार से मैं बताऊंगी आपके आगे, अभी रखती हूँ। सबसे बड़ी खबर जो है मैं बता दूँ, रावघाट लोहा खनन मामले में आदिवासी आज नारायणपुर कलेक्ट्रेट के घेराव करने पहुंचे थे, कलेक्ट्रेट का गेट पार करने में लगे हुए थे वो आदिवासी लोग। आदिवासियों को पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ा और अपनी मांगों को लेकर आदिवासी 26 मार्च को विरोध प्रदर्शन करेंगे, उन्होंने ऐसा ऐलान किया है। आदिवासी लोग जो हैं अपनी मांगे लेकर वहां कलेक्ट्रेट के वहां घर पे पहुंचे थे, वहां पे नारायणपुर में पहुंचे थे, और वहां इस वीडियो को अभी मैं दिखा भी दूंगी, आप वीडियो देख लीजिए पहले। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से बलपूर्वक पुलिस अपना पूरा बल लगाकर उन आदिवासी लोगों पर लाठी डंडे बरसा रही है, और उन्हीं लोगों को मारपीट कर रही है जो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, उन्हीं को मारा पीटा जाता है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर अत्याचार हो रहा है तो अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के ऊपर हो रहा है, और पीड़ित शोषित वर्ग के ऊपर हो रहा है, उन्हीं को मारा और खदेड़ा जाता है। किस तरीके से बर्बरता की जा रही है आपने इस वीडियो में देखा, किस तरीके से उन्हें खदेड़ा जा रहा है। अपने हक अधिकार के लिए कोई अगर आवाज उठाता है, लोकतंत्र जो है वो खत्म हो चुका है बिल्कुल, और भीड़ तंत्र बन चुका है। लोगों को अपने हाथ में कानून लेने का जो नया जज्बा जागृत हो चुका है सरकार से, ऐसा उनको लग रहा है कि वहां से राजनीतिक तरीके से उनको सहयोग किया जा रहा है, तभी जो है लोकतंत्र खत्म करके भीड़ तंत्र को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। अब जो दूसरी खबर है वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी बड़ी खबर ये है, पेपर लीक को रोकने में नाकाम योगी सरकार अब लीक कांड का खुलासा करने वाले पत्रकारों को दबोच रही है। अमर उजाला के इस पत्रकार को गौर से आप सुनिए पहले। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से, नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया, जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया, और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर
मुकदमा काम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है, आज भी नकल नहीं रुका है, बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं, दो नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं, एक नंबर की नहीं दो नंबर की खुली चुनौती नकल माफियाओं ने बलिया प्रशासन को दिया है। लेकिन बलिया प्रशासन अपनी गलती मानने को नहीं हुआ है, मुंह बंद करना चाहता है। लखनऊ संवाददाताओं की, अखबार की चौथे स्तंभ पर हमला बोलना चाहता है ताकि हम मौन हो जाएं। उसको भ्रम है। आपकी किस आधार पर गिरफ्तारी की गई है? कहां से पेपर मिला? मेरा इतना उत्पीड़न किया गया है, कोई सीमा नहीं है। तीन दिन से जो है, इधर ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए। तीन दिन से मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है पुलिस। अरे हमने अगर उसको अखबार में छाप दिया तो पता करो कि नकल माफिया कौन है, कहां से वो हल साल पेपर आ रहा है। तो मुझसे ही बार बार बजा रहा है, कहां मिला? हमने कहा कि सूत्र से मिला। सुना आपने किस तरीके से अमर उजाला के पत्रकार ने एक सूचना द्वारा पता करते हुए अखबार में ये खबर छापी और सच्चाई दिखाई कि पेपर लीक किया गया है। जी हाँ, 12वीं बोर्ड का इंग्लिश का पेपर जो है लीक किया गया है। इस तरीके का घोटाला एक पहली बार नहीं हो रहा है। अभी व्यापम घोटाला थमा नहीं था कि दूसरा घोटाला सामने आ गया पेपर लीक का। इसी तरीके से जो बलिया में हो रहा है, क्या योगी आदित्यनाथ इस पर कुछ अपनी बात कहेंगे? क्या सामने आएंगे? क्या उन लोगों को पकड़ेंगे? क्या एक हकीकत दिखाने वाले पत्रकार को ही दबोचा गया है? क्या उसी को ही मारा पीटा जा रहा है? क्या ये सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है कि सच्चाई दिखाने वाले जितने भी पत्रकार हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? अभी यही हाल ही में यही पत्रकार नहीं है, इससे पहले भी कई पत्रकारों के ऊपर जो है जुल्म हुए हैं, उनको पकड़ा गया है, उन पर UAPA तक लगाया गया और जेलों में डाल दिया गया है। कोई आज हकीकत की बात कर रहे तो उसको दबोचा जाता है, उसको धर लिया जाता है, उसे जेलों में भर दिया जाता है। इस तरीके का सरकार का जो अत्याचार चल रहा है हमारे समाज पे और जनता पे, सबसे ज्यादा शोषित और पीड़ित वर्ग पे और उन पत्रकारों पे जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जो सच्चाई दिखाते हैं, जो किसी से डरते नहीं है, उन्हीं को ये सरकार दबोचती है, उन्हीं पे शिकंजा कसती है। अभी ये एक पहला मामला नहीं है पत्रकार पे। अभी मैं इन्हीं से जुड़ी हुई और एक और खबर बता रही हूँ। जब ऐसे पत्रकार जो बलिया की बागी धरती के इतिहास को दोहराते हुए पत्रकार दिग्विजय सिंह का हौसला, जज्बा, ये लोग कह रहे हैं काबिले तारीफ है उनका जज्बा, उनका जुर्म केवल इतना ही था कि उन्होंने वहां खुले आम चल रहे पेपर लीक को जो है खुलासा करके दिखाया और खुलासा किया है, नकल के गोरख धंधे को उजागर करके दिखाया है, इसीलिए उन पर ही शिकंजा कस दिया गया। सोचिए अफसरों की नाकामी, अफसरों की जो नाकाम हो रहे हैं अपने काम को, अपने चीजों को दिखाने में, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पकड़ रहे हैं, दबोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि खुद नहीं पकड़ पा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके के घोटाले किए, जो इस तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। और बलिया और UP में सबसे ज्यादा इस तरीके के घोटाले सामने आते हैं। ये एक घोटाला नहीं है, इससे ज्यादा और घोटाले, अगर मैं यहाँ कैमरे के सामने सच्चाई बताऊंगी कल को मेयर को भी धर लिया जाएगा और जेलों में भर दिया जाएगा मुझे भी, क्योंकि मैं भी सच्चाई बता रही हूँ। इसी तरीके का अत्याचार लगातार पत्रकारों पे हो रहा है। इस पत्रकार दिग्विजय सिंह ने सिर्फ और सिर्फ ये खुलासा किया है कि घोटाला जो घोरख धंधा चल रहा था इंग्लिश के पेपर का, और आपको मैं अभी बता दूं कि इस पेपर के घोटाले के बाद जो ऐलान किया गया है, सुनिए क्या है। उत्तर प्रदेश के बलिया में 12वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा के पेपर लीक मामले में बलिया पुलिस ने मीडिया ग्रुप और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की मीडिया ग्रुप में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है कि पेपर लीक मामले में अब तक कुल 17 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। सबसे अहम बात जो है वो आपको मैं बता दूं, पेपर लीक के बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई है। जी हाँ, 24 जिलों में परीक्षा रोक दी गई है। सोचिए उन बच्चों का भविष्य क्या रहेगा जो एग्जाम देने बैठे थे, जो एग्जाम देने की तैयारी कर चुके थे, और अब इस तरीके का घोटाला सामने आ रहा है, उन बच्चों के भविष्य पे तो रोक लग गई है। इसी तरीके का ये ड्रामा और नंगा नाच जो है सरकार द्वारा ही किया जा रहा है, और सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे ये लोग अपने ही लोगों द्वारा ये इस तरीके के घोटाले करते हैं। इससे पहले भी यूपी में, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इसी तरीके का घोटाला हुआ था पेपर लीक का और एग्जाम
का जो घोटाला हुआ था आपको मालूम है अच्छे से। तो अब इसी में सुनिए, जब इस बारे में डीएम और एसपी से सवाल किए गए तो डीएम और एसपी साहब इन सवालों से बचने लगे। सोचिए, जब इन अफसरों से सवाल किए जाते हैं तो ये कैसे भागने लगते हैं, यानी कि अपनी नाकामी ये समझ में इनको आ जाना चाहिए कि ये नाकाम जो हो चुके हैं अपने कार्य में, किस तरीके से भागते हैं मीडिया से जो सच्चाई दिखाती है। वरना गोदी मीडिया तो आपको दिखाई रही है लगातार, आप देखते रहिए और सुनते ही रहिए उन लोगों को जो उनकी जय जयकार कर रहे हैं, मगर आप सच्चाई भी देखिए कि किस तरीके से देश में क्या क्या चल रहा है, क्योंकि ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। और इसके बाद प्रदेश जो बलिया के जिला अस्पताल में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए डीआईएसओ ब्रजेश मिश्रा और अमर उजाला अखबार के पत्रकार अजीत ओझा का पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया। सोचिए, उसी पत्रकार का मेडिकल प्रशिक्षण कराया जा रहा है जिसने सच्चाई दिखाई है, उसी को मारा पीटा जा रहा है और जेल में भर दिया जा रहा है। सोचिए, और उसके बाद जो है ये खुलासा करने से डर रहे हैं कि किसने किया है, क्या किया है, निष्पक्ष जांच। तो आज 1 अप्रैल है, आपको अप्रैल फूल बना दिया जाएगा। निष्पक्ष जांच मैंने बोल दिया, माफ़ कीजिएगा कि हमारे देश में निष्पक्ष जांच जो है वो तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सच्चाई सरकार किसकी है, मीडिया किसकी है और जुडिशरी जो है पूरा जुडिशरी किसका है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी खबर जो है, जी हाँ, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी जो अपने आप को आम बताती है, वो खास होती चली जा रही है। जी हाँ, पंजाब में उसने जब से अपने वोट पे विजय पाई है तब से वो अपने आप को बादशाह समझ रही है और किसी पर भी लठमारी कर रही है। जी हाँ, पंजाब में ये देख लीजिए, आप पहले वीडियो देख लीजिए। जी हाँ, ये है वो रंगीला पंजाब जहाँ पर अब झाड़ू की जगह लठ दिखाया जा रहा है। जी हाँ, झाड़ू तो अब गायब हो चुकी है, अब लठ जो है वो दिखाया जा रहा है। और किस तरीके से आप पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से पंजाब में किस तरीके से हुड़दंग मचा रहे हैं और दंगा जो कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, ये वही पंजाब है, आपका पंजाब है। जी हाँ, आपका ही पंजाब है, देखिए और समझिए। इसीलिए आपको मैं यहाँ सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि अपनी आंखें और कान खुले रखिए और देश में क्या चल रहा है वो देखिए,
और अपना वोट जो है उसको सोचिए और समझिए, समझ के दीजिए कि कितना कीमती है आपका वोट। पंजाब में जो हाल ही में अभी दो मामले सामने आए हैं, एक कांग्रेस कार्यकर्ता इकबाल सिंह की आप कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहम पिटाई कर दी गई है। जी हाँ, आप आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं द्वारा ही, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मारपीट करके जो है हत्या कर दी गई है। सोचिए, मार पिटाई इतनी कर दी जा रही है, देश में अराजकता किस तरीके से फैलती जा रही है, किस तरीके से लोकतंत्र का जो शिकंजा है वो धीरे धीरे भीड़ तंत्र में बदलता जा रहा है, भीड़ तंत्र बना दिया गया है। और दूसरा, वही कपास की बर्बाद फसल का मुआवजा मांग रहे किसानों पर बर्बरता से लाठी बरसाई गई। जी हाँ, जो भी हक की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, सामने आकर बात करेगा, सवाल आंख में आंख डालकर सवाल करेगा, उसी पर लाठी गोलियां बरसाई जाएंगी, उसी को मिटा दिया जाएगा और उसी को जेलों में भर दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए देश में किस तरीके की अराजकता फैलती जा रही है, किस तरीके से लोग अपने हाथ में कानून लेकर घूम रहे हैं सड़कों पर। लगे हाथ में आपको महंगाई से भी रूबरू करा दूं, क्योंकि आपको तो और जो खबरों में है और बातों में है जो लगा दिया गया है देश में, और मुद्दे गर्मा दिए जाते हैं ताकि आप असली मुद्दे को देख ना सके, क्योंकि आपको तो महंगाई दिखाई नहीं दे रही होगी, ना आपको बजट का पता होगा कि बजट का सत्र भी चालू है और वहाँ लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, बदलाव किए जा रहे हैं, आपको मालूम नहीं होगा। तो अभी मैं बता दूं आपको, कमर्शियल LPG सिलेंडर 250 रुपये महंगा हो गया। क्या आपको याद है कि पिछले 5 महीने में 720 रुपये का इजाफा हुआ है? अब वो इजाफा कैसे हुआ है वो सुन लीजिए। 1 नवंबर 2021 265 रुपये बढ़े, 1 दिसंबर 2021 100 रुपये बढ़े, 1 मार्च 2022 105 रुपये बढ़े, 1 अप्रैल 2022 250 रुपये बढ़े, कुल 720 रुपये सिर्फ 5 महीने में बढ़ चुके हैं, सोच लीजिए। और सिलेंडर का भी आपको पता चल चुका होगा 50 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। अभी तो आप 800 और 900 में जो गैस पर खाना पका के खा रहे थे, अब वो भी आप खा नहीं पाएंगे क्योंकि 50 रुपये और बढ़ा दिए गए हैं। डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और वो इसी तरीके से छूते रहेंगे, क्योंकि आप व्यस्त हैं अपने कामों में, अपने काम धंधों में और उस गोदी मीडिया में, इसीलिए ये दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही आप लोग डीजल पेट्रोल के दामों पर खर्चा करते रहेंगे। और करते रहिए, अच्छी बात है, मगर सच्चाई जो है हम तो दिखाएंगे ही और आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं आपको इस हकीकत से रूबरू कराती रहूंगी। इसी तरीके की बड़ी खबरें लेकर आऊंगी, जो समाज में घटता है, जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती है वो हम दिखाते हैं, वही सच्चाई मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ, वही खबरें मैं आपको यहाँ उस खबरों से रूबरू कराती हूँ। आगे भी मैं इसी तरीके की और खबरें लेकर आऊंगी। और इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।